रणबीर कपूर और रश्मिका मंदाना स्टारर फिल्म एनिमल का टीजर सामने आ चुका है। 28 सितंबर को रणबीर के बर्थडे के मौके पर मेकर्स ने इस फिल्म का टीजर सोशल मीडिया पर शेयर किया, जिसे अब शानदार रिस्पांस भी मिल रहा है। फिल्म के टीजर में ढेर सारा मसाला है और रणबीर कपूर की धांसू एक्टिंग भी है। इसी बीच रणबीर और रश्मिका मंदाना के कुछ सीन्स भी दिखाए गए हैं, जिन्हें उनके फैंस काफी ज्यादा पसंद भी कर रहे हैं। वहीं अब रश्मिका मंदाना के रूमन बॉयफ्रेंड विजय देवरकोंडा ने इस फिल्म के टीजर पर अपनी प्रतिक्रिया दी है। दरअसल एनिमल के टीजर रिलीज होने के बाद विजय देवरकोंडा ने एक ट्वीट किया है, जिसमें उन्होंने रश्मिका मंदाना को टैग किया है और उसमें साथ ही साथ आरके यानी कि रणबीर कपूर भी लिखा है। इस ट्वीट में उन्होंने लिखा, मेरे प्रिय संदीप रेड्डी वांगा, रश्मिका मंदाना और मेरे फेवरेट आरके को जन्मदिन की हार्दिक शुभकामनाएं। इसके साथ ही उन्होंने हैशटैग एनिमल टीजर भी लिखा है। आपको बता दें कि इस ट्वीट का जवाब रश्मिका मंदाना ने भी दे दिया है। 28 सितंबर को रणबीर कपूर की अपकमिंग फिल्म एनिमल का टीजर रिलीज किया गया। इसके साथ ही अब एक ब्रांड ने भी उनके साथ अपना विज्ञापन जारी किया है। इस एड में एक्टर के साथ उनकी पत्नी आलिया भट्ट और जवान एक्टर शाहरुख खान दिखाई दे रहे हैं। विज्ञापन में भी फिल्म जवान का क्रेज देखने को मिल रहा है। आपको बता दें कि इस एड के जरिए आलिया भट्ट, रणबीर कपूर और शाहरुख खान पहली बार किसी प्रोजेक्ट में एक साथ देखने को मिल रहे हैं। वीडियो में ये भी देखा जा सकता है कि कैसे तीनों एक ब्रांड के लिए रॉयल स्टाइल में देखे नजर आ रहे हैं। इस एड का बैकग्राउंड काफी हद तक किंग खान की जवान से मिलता जुलता बताया जा रहा है। आपको बता दें कि सभी स्टार्स के फैंस को भी ये एड काफी ज्यादा पसंद आ रहा है। गणेश उत्सव के पहले दिन किसी ने अपने घर में तो किसी ने अपने ऑफिस में धूमधाम के साथ बप्पा का स्वागत किया। यहां तक कि कुछ लोगों ने बप्पा को विदा भी कर दिया। सिर्फ आमजन ही नहीं बल्कि बॉलीवुड सेलिब्रिटीज भी इस जश्न में डूबे हुए नजर आए। शाहरुख खान, रणबीर कपूर और दूसरे सेलिब्रिटीज के बाद अब अनन्या पांडे, आदित्य रॉय कपूर और श्रद्धा कपूर ने भी भूषण कुमार के ऑफिस जाकर बप्पा का आशीर्वाद लिया है। यहां से अब श्रद्धा और आदित्य का एक वीडियो वायरल हो रहा है, जिसे देखने के बाद फैंस आशिकी टू स्टार्स को फिर से एक साथ देखने की मांग करते नजर आ रहे हैं। दरअसल आदित्य रॉय कपूर बप्पा का आशीर्वाद लेने के लिए भूषण कुमार के टी सीरीज ऑफिस में पहुंचते हैं। इसी दौरान श्रद्धा कपूर को भी वहां देखा जाता है। जैसे ही श्रद्धा और आदित्य ने एक दूसरे को देखा, इसके बाद दोनों एक्टर्स एक दूसरे के साथ बात करते हुए एक दूसरे से गले मिलते हैं। इसका वीडियो अब तेजी से इंटरनेट वर्ल्ड में छा गया है और फैंस के तरह तरह के कमेंट्स भी देखने को मिल रहे हैं। हॉलीवुड से एक बेहद बुरी खबर सामने निकलकर आ रही है। हैरी पॉटर फिल्म फेम दिग्गज इंग्लिश कलाकार माइकल गैम्बॉन का 82 साल की उम्र में निधन हो गया। दिग्गज हॉलीवुड कलाकारों में शुमार माइकल गैम्बॉन की मौत की खबर सुनकर उनके फैंस में भी शोक की लहर है। इस खबर में यकीनन हैरी पॉटर फिल्म फ्रेंचाइजी के प्रशंसकों का दिल भी टूट गया है। लेकिन इलाज की तमाम कोशिशों के बावजूद उनकी हालत में कोई सुधार नहीं हो पाया। डॉक्टर्स की कड़ी मेहनत कोई रंग न ला सकी और माइकल गैम्बॉन शांति से इस दुनिया को छोड़कर चले गए। मिली जानकारी के मुताबिक माइकल की वाइफ लेडी एनी मिलर ने बताया है, माइकल लंबे समय से निमोनिया से ग्रस्त चल रहे थे। बीते दिनों उनकी तबीयत ज्यादा बिगड़ गई, जिसके चलते उन्हें हॉस्पिटल में एडमिट करना पड़ा। लेकिन डॉक्टर्स की तमाम कोशिशों के बावजूद हम माइकल को नहीं बचा सके। इस साल बॉक्स ऑफिस पर तहलका मचाने वाली फिल्मों के बारे में जिक्र किया जाए तो उसमें शाहरुख खान की फिल्म पठान, जवान और सनी देओल की फिल्म गदर 2 का नाम जरूर शामिल होगा। ये तीन फिल्में ऐसी हैं जिन्होंने बॉक्स ऑफिस पर 500 करोड़ से ज्यादा की कमाई की है। इसी बीच गदर 2 के 48वें दिन के बॉक्स ऑफिस कलेक्शन का आंकड़ा अब सामने आ चुका है, जिसके चलते सनी की गदर 2 ने शाहरुख खान की पठान को हिंदी बेल्ट लाइफटाइम बॉक्स ऑफिस कलेक्शन के मामले में पीछे छोड़ दिया है। आपको बता देते हैं कि रिलीज के 48वें दिन डायरेक्टर अनिल शर्मा की गदर 2 ने करीब 30 लाख की कमाई की, जिसके चलते अब गदर 2 हिंदी वर्जन के आधार पर लाइफटाइम बॉक्स ऑफिस कलेक्शन में एकमात्र हाईएस्ट ग्रॉसिंग बॉलीवुड मूवी बन चुकी है। वीडियो डेस्क, amarujala.com। अमर उजाला अब आपके टीवी पर भी। अपने स्मार्ट टीवी पर यूट्यूब पर सर्च करें अमर उजाला, चैनल सब्सक्राइब करें और देखें ताजा खबरें, वो भी HD क्वालिटी में। और हाँ, बेल आइकन दबाना ना भूलें, ताकि हर खबर हो आपके घर। अमर उजाला, निष्पक्ष, निर्भी, निरंतर।